Hey everyone, welcome back to my channel. So, आज का vlog है anniversary and Valentine's Day celebration vlog. And I know ये vlog बहुत ज़्यादा late upload कर रही हूँ मैं, but यहाँ मुझे बिल्कुल भी time नहीं मिला, so थोड़ा सा late है ये vlog. And आज मैं आई हूँ hair cut करने. मैंने anniversary के just एक दिन पहले अपना hair cut लिया था, so I thought to share with you guys also. अभी आप लोग देख सकते हो मेरे hairs इतने लंबे हैं. एंड आज मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं हेयर कट लूँगी आफ्टर लॉकडाउन. काफ़ी टाइम से सैलून्स ओपन नहीं हो रहे थे, तो आज मैंने अपॉइंटमेंट ली है एंड फाइनली मैं हेयर कट लेने जा रही हूँ. एंड मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत छोटे हेयर कराने वाली हूँ आज. सो मैं अब मिलती हूँ आप लोगों को हेयर कट के बाद. सो गाइज, मेरे हेयर कट हो गए हैं एंड बगल के स्टोर से ही मैं, पास में एक स्टोर था वहाँ से मैंने ये लॉरेल पेरिस का हेयर कलर लिया है एंड मैंने खुद से घर पे किया है. एंड आफ्टर हेयर कट दिस इज़ हाउ आई लुक लाइक. एंड टुडे इज़ 12th of February एंड इट्स आर एनिवर्सरी डे. सो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. सो गाइज, टुडे इज़ 12th of February एंड आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है एंड इट इज़ आर थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी. सो जस्ट मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ और अब मैं करने जा रही हूँ भगवान जी की पूजा. सो जस्ट थोड़ी सी पूजा करेंगे और उसके बाद प्रसाद के लिए मैंने बनाई है खीर और लंच के लिए बन रहा है पाव भाजी. एंड दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही मैं बना रही हूँ. एंड शाम का प्लान देखते हैं क्या है, बिकॉज़ हस्बैंड का ऑफिस है एंड ऐसा ज़्यादा कोई ऑप्शंस भी नहीं है. सो देखते हैं, बाहर कहीं जाना हुआ तो, अदरवाइज बस हम लोग घर पे ऐसे ही सिंपली सेलिब्रेट करेंगे और दैट्स इट. और अभी मैं थोड़ी देर में देखती हूँ, अगर मंदिर खुला हुआ है तो मे बी हम शाम को मंदिर जाएंगे हस्बैंड का ऑफिस ख़त्म होने के बाद. एंड दैट्स इट. गाइस, ये रही खीर एंड आज मैंने इंस्टा पॉट में बनाई है खीर एंड इसकी रेसिपी मैं सेपरेटली अपलोड करूँगी. आप चाहें तो उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं. एंड अब हम लोग लगाएंगे भगवान जी को भोग. सो ये रहा भगवान जी के लिए भोग. सो दैट्स इट गाइस, अभी अभी मैंने जस्ट भोग लगाया एंड पूजा की है और लंच में मैंने बनाया है पाव भाजी. सो गाइज, ये है भाजी एंड जस्ट पाव है, मुझे पाव सेकने हैं एंड बस हम लोग फिर लंच करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं फिर आगे. फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ लंच करने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय. और गाइज, प्लीज़ लेट मी नो मेरे हेयर स्टाइल आपको कैसा लग रहा है. मैंने ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट हेयर करवा लिए हैं एंड बट फॉर मी आई थिंक आई एम फीलिंग गुड बिकॉज अभी मुझे कॉम करने में बहुत आसानी है. सो गाइज, एज यू कैन सी, सो गाइज मैं जस्ट रेडी हो गई हूँ एंड अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग के लिए बाहर. एंड बाहर से बस हम लोग डिनर करके आएंगे. मैं आप लोगों को भी अपने साथ ले चलती हूँ एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हम लोग ने क्या क्या किया. एंड या दैट्स इट, सो लेट्स गो. सो
सो गाइस हम लोग की ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो गई है एंड मैंने बहुत टाइम बाद इतनी अच्छे से शॉपिंग की है एंड आई फील रियली गुड। बस अब हम लोग बिलिंग करा रहे हैं एंड इट्स अप्रॉक्स 7:30 या 8 o'clock हो गए हैं। तो बस हम लोग यहाँ से डायरेक्ट डिनर के लिए जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी एक टेबल बुक करा दी है। तो बस हम लोग फटाफट यहाँ से निकल कर अब जाएंगे एंड मीन माइल मैं आपको बता देती हूँ युआन यहाँ पर दीज आर किड्स परफ्यूम वो उसे डिमांड कर रहा था कि उसे चाहिए बट यहाँ इट इज़ वेरी स्मॉल राइट नाउ तो हमने उसे दिलाया नहीं। दैट्स इट। युआन को भी बहुत अच्छा लगा बहुत टाइम बाद आई थिंक वो स्टोर पे आया है किसी और हम लोग ने भी ऐसे शॉपिंग आफ्टर लॉकडाउन बहुत टाइम बाद की है तो वी फील रियली गुड एंड मैंने जो भी कुछ शॉपिंग की है मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ वो सब शेयर करूँगी घर आने के बाद में भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या शॉप किया है। सो गाइज मॉल से निकलने के बाद हम लोग डायरेक्ट सनीवेल डाउनटाउन डिनर के लिए आ गए हैं एंड यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक टेबल बुक करा ली थी अपने लिए पहले ही एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड सुकून। यहाँ पर बहुत अच्छा इंडियन खाना मिलता है एंड पहले इनके यहाँ पर इनसाइड डाइनिंग थी बट नाउ आफ्टर कोविड इन्होंने अपनी डाइनिंग बाहर कर दी है आउटसाइड। तो फर्स्ट टाइम हम आए हैं बहुत टाइम के बाद। लास्ट ईयर हम लोग मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे आए थे अपने पेरेंट्स के साथ और इन्होंने क्या किया है जितने भी नियर बाय यहाँ पे रेस्टोरेंट है उन सब ने रोड को ब्लॉक करके अपनी डाइनिंग आउटसाइड कर दी है एंड हमें लकीली साइड की 2 tables मिल गई थी और वहाँ पे कोई भी नहीं था तो वी फील रियली गुड। और युआन भी सो गया था तो हमने उसे आराम से स्ट्रॉलर में सुला दिया एंड वी हैड वेरी गुड टाइम। सो बस अब हम लोग अपना डिनर इन्जॉय करेंगे एंड आप लोग भी इस व्लॉग को इन्जॉय करिए और मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। सो गाइज कल रात में हम लोग डिनर के बाद मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई सो आई थॉट कि इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करती हूँ। सो टुडे इज़ 14th of February एंड इट्स वैलेंटाइंस डे। हम बाहर कुछ काम से निकले थे तो आई थॉट कि मैं कुछ फ्लावर्स एंड केक भी ले लूँ साथ के साथ एंड आई वॉन्ट कि मैं थोड़ा सा युआन के लिए फ़ोटोशूट करूँ। सो यहाँ ये मेरा आज का प्लान है। अभी देखते हैं जब घर से निकले थे तो वेदर काफ़ी अच्छा था सनी था बट अभी थोड़ा सा वेदर ख़राब है बट आई और स्पेशली वैलेंटाइंस वीक में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स एंड प्लांट्स आते हैं स्टोर्स पे एंड बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से रोज़ेस थे। मैंने कुछ एक छोटा सा बुके लिया है रोज़ेस का एंड अब मैं जा रही हूँ केक लेने। सो दीज आर द केक ऑप्शन। वैलेंटाइंस डे की वजह से काफ़ी सुंदर सुंदर से केक भी आए हुए थे सो आई रियली लाइक दिस वन द चॉकलेट वन बिकॉज वी ऑल लव चॉकलेट। तो बस मैंने ये चॉकलेट वाला एक केक लिया है एंड अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। हमने अपना छोटा सा ये सेटअप बनाया है एंड अब हम लोग बोल रहे हैं युआन को कुछ पोजेस देने के लिए बट आई डोंट वांट टू गिव एनी पोजेस एंड ये साथ में मैंने कुछ बलून्स भी लिए थे स्टोर से। सो बस हमने इसकी कुछ पिक्चर्स लेने की कोशिश करी बट इसने एक भी पोज नहीं दिया। इवन इसने कैमरा भी हमें टच नहीं करने दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम इसने पूरे टाइम जब भी हमने कैमरा को स्टैंड में सेटअप किया इसने पूरे टाइम कैमरा को ही अपने पास रखा। तो हमने इसकी कुछ पिक्चर्स अपने फ़ोन से लेने की कोशिश की गाइस। इसी तरह होता है व्लॉगिंग इज़ नॉट दैट पॉसिबल विद स्मॉल किड्स तो इस वजह से भी कई बार मेरा व्लॉग्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू ऑल दोज थिंग्स। बट एनीवेज कुछ अच्छी पिक्चर्स फिर भी हमने इसकी ले ली और अच्छे से केक वगैरह कट किया और हमने सेलिब्रेट किया। सो दैट्स इट गाइस। सो ये था हमारा छोटा सा एनिवर्सरी एंड वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो गाइस मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।